हैदराबाद के रैनपुरा पुलिस ने एक 9 साल की बच्ची के साथ रेप का मामला दर्ज किया गया है। बच्ची की मां ने कल रात को रैनपुरा पुलिस थाने में आकर यह केस दर्ज करवाया है कि उसी के रिश्तेदार ने उसकी 9 साल की मासूम बच्ची का रेप किया है। आपको बता दें कि यह रेप की घटना जनवरी महीने की है, जिसका खुलासा अभी हुआ है। पुलिस के मुताबिक जनवरी के महीने में बच्ची के माता पिता बच्ची को अपने एक रिश्तेदार के घर पर छोड़कर विदेश के काम के सिलसिले में गए थे। तब उनके रिश्तेदार ने मासूम बच्ची के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया था और साथ ही बच्ची को धमकी भी दिया कि वो किसी को कुछ ना बताए, जिसके बाद बच्ची डर के वजह से घर वापस आने के बाद भी अपने माता पिता को कुछ नहीं बताई। लेकिन एक बार फिर जब वे कहीं बाहर किसी काम से जाने के लिए थे तो एक बार फिर बच्ची को उन्होंने उसी रिश्तेदार के पास छोड़ना चाहा, जिस पर बच्ची रोने लगी और उसने उस रिश्तेदार के घर जाने से मना कर दिया। माता पिता की ओर से पूछे जाने पर बच्ची ने सारी बात बता दी, जिसके बाद उसके माता पिता ने कल देर रात जाकर अपने रिश्तेदार के खिलाफ रेप का केस दर्ज करवाया है। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए रिश्तेदार को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार रिश्तेदार का नाम सैयद मोइनुद्दीन तनवीर है और इसकी उम्र 45 वर्ष बताई जा रही है। पुलिस ने पास्को धारा के तहत मामला दर्ज कर लिया है। कल रात 17 तारीख अक्टूबर 2017 रात के 8:30 बजे एक लेडी कॉम्प्लेनेंट पुलिस स्टेशन को अपने बच्ची 9 साल बच्ची के साथ पुलिस स्टेशन को आके ये कॉम्प्लेंट की है कि उनके बच्ची पे जनवरी 2017 में उनके खुद के रिलेटिव ने सेक्सुअल असाल्ट किया। और इस बेसिंग ऑन दैट कॉम्प्लेंट हम लोगों ने बच्ची को निर्भया या बच्ची को हॉस्पिटल को भेजा और भरोसा सेंटर को भेज के स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड किया था। और बच्ची के स्टेटमेंट के हिसाब से बच्ची को जो बच्ची के वालदा 2017 जनवरी में पर्सनल कार में यूरोप ट्रिप को गए थे, जब बच्ची को इनके रिश्तेदार घर में रखे गए थे, उस दौरान एक रात में उस रिश्तेदार ने बच्ची के 45 ईयर्स का नाम है मोइनुद्दीन तनवीर, उन्होंने बच्ची पे सेक्सुअल असॉल्ट किया और किसी को ना बताने के लिए धमकी दी। तो वह डर से बच्ची किसी को नहीं बताई, फिर वालदा आ गए, फिर बच्ची को ले जाके अपने घर में रही। फिर कल फिर वो बच्ची को अपने वही रिश्तेदार के घर में रख के बाहर जाने के लिए प्लान से बच्ची को तैयार कर रहे थे। बच्ची ने दो से चिल्लाने और रोते लगी कि मैं वो रिश्तेदार के घर नहीं जाऊँगा। इंक्वायरी फिर वो बताया था कि ऐसा जब जनवरी में ऐसा इन्होंने मुझ पर असॉल्ट किया था, तो फिर आके पुलिस में कंप्लेंट किए। हमने भी मोइनुद्दीन इंक्वायरी करे, मोइनुद्दीन तनवीर को अरेस्ट करे, अभी उसको कोर्ट में हॉनरेबल मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करने के लिए सेक्शंस को से लगा रेप केस लगाए और क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट 2013 यानी कि निर्भया और प्रोक्सो एक्ट। हैदराबाद से हमारे संवाददाता सैयद हामिद की रिपोर्ट।